सब लोग तैयार हैं? मुबारका मुबारका। अब से ठीक 48 घंटे के बाद, यानी कि परसों सुबह 5 बजे सेंट्रल जेल में सरकार मेरे भाई को फांसी पर लटकाने वाली है। यह अदालत उसे सजा सुनाने से पहले भूल गई थी कि उसके खून का ताल्लुक रुद्राक्ष से है। मेरे भाई को फांसी नहीं होगी, समझे? ये देखो, इस इलाके से कल एक स्कूल बस गुजरेगी जिसमें तकरीबन 20 बच्चे होंगे। यहां पे तुम उसे हाईजैक करोगे। एक पतिया इस सड़क पे कौन लेटा हुआ है? चलो उतर के देखते हैं। हेलो, मुबारक गवर्नर साहब। कौन? मैं कौन बोल रहा हूं ये जानने की जरूरत नहीं। मेरे आदमियों ने स्कूल की बस जिसमें 20 प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं हाईजैक कर ली है। अगर आपकी सरकार को इन बच्चों की जिंदगी प्यारी है तो राणा की फांसी रुकवा दीजिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं 2 घंटे के अंदर गवर्नर साहब मौत की तांडव लीला शुरू करवा दूंगा। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो उन 20 बच्चों की मौत के जिम्मेदार आप होंगे। सोच लीजिए। हेलो हेलो हेलो, हेलो सेक्रेटरी, कमिश्नर खन्ना को बुलाओ। चल 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 कमिश्नर खन्ना, अभी अभी दिल्ली से खबर आई है कि सरकार किसी भी कीमत पर राणा की फांसी को रोक नहीं सकती, क्योंकि ऐसा खतरनाक मुजरिम जिसके ऊपर 5 कत्ल, 10 बलात्कार तथा भारी तादाद में हथियारों के स्मगलिंग के आरोप साबित हो चुके हैं, अब सरकार किसी भी धमकी के आगे झुकने वाली नहीं है। लेकिन सर, बच्चों की जान को बहुत खतरा है, हालात बहुत ही नाजुक है। मैं जानता हूं कमिश्नर खन्ना, लेकिन बच्चों की जान किसी भी कीमत पर बचानी ही होगी। ऑफिसर्स, आप लोग जाइए और बच्चों को तलाश कीजिए। हेलो, लगता है आपकी सरकार को बच्चों की जिंदगी प्यारी नहीं है। आप सबसे पहले वहां से पुलिस फोर्स को हटाइए। और हाँ, ड्राइवर को तो हम मौत की नींद सुला चुके हैं,
अब बारी है बच्चों की। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, हम वहां से फोर्स हटा लेते हैं। 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे। हेलो हेलो मिस्टर खन्ना, पुलिस फोर्स वापस बुला लीजिए, उन लोगों का कोई भरोसा नहीं। यस सर। सावन, पुलिस फोर्स को फौरन वापस बुलाओ। यस सर। ओके ओवर, चलो गाड़ी में बैठो। व्हाट अ शेम ऑन अस, अब हम शायद बच्चों को बचा नहीं पाएंगे। सर, ऐसा कभी नहीं होगा। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो एक ही रास्ता बचता है। व्हाट डू यू मीन कमिश्नर? सर, मेरा मतलब है ब्लैक कैट कमांडो मेजर दिग्विजय सान्याल। चल जल्दी, जल्दी कर। मेजर सन्याल, मैं राणा का भाई बोल रहा हूँ। हाँ बोल। मेरे भाई की लाश मेरे सामने पड़ी है और इसकी मौत की जिम्मेदार सरकार नहीं है, तू है। तू, तूने मेरे खून को मुझसे अलग किया है। काम की बातें कर। काम की बात ही तो कर रहा हूँ मेजर सन्याल। अपनी बहादुरी से तूने उन बच्चों को तो बचा लिया है और अब चारों ओर तुम्हारी जय जयकार हो रही है। लेकिन ये दुनिया बहुत छोटी है मेजर सन्याल, कहीं ना कहीं मेरा और तुम्हारा आमना सामना जरूर होगा और उस दिन ये जय जयकार मातम बन के तुम्हारे कानों में गूंजेगी, ये मेरा वादा है। ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। आइंदा किसी फौजी से टकराने की कोशिश मत करना, ये मेरा मशवरा है। और अगर टकराने की कोशिश की तो इस धरती पर से तेरा नामो निशान मिटा दूंगा, ये भी मेरा वादा रहा।
थैंक्स, बाय, सी यू। बुक कब लौटा रही हो? कल तक वापस कर दूंगी, कोई जल्दी तो नहीं है ना? तुम पिछले एक महीने में मुझसे तीन बार तुम टकरा चुके हो। जी नहीं मैडम, मैंने नहीं, आपने मुझे धक्का मारा है, वो भी तीन बार नहीं, चार बार। शट अप, तुम अपने आप को समझते क्या हो? जो आप अपने लिए समझती हैं, मैं भी अपने आप को वही समझता हूँ। शक्ल से तो बिल्कुल लोफर लगते हो, तुम जैसे लोगों को इस कैंपस में आने कौन देता है? अपनी तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आपके बारे में मेरा ख्याल कुछ अलग है। आप मुझे बिल्कुल पागल नजर आती है। What? तुमने मुझे पागल कहा? माफ करना, मैं आपकी इससे ज्यादा तारीफ नहीं कर सकता। किसी दिन डैडी के सामने पढ़ोगे ना तो छट्टी का दूध याद करवा दूंगी। अगर तुम्हारा कोर्ट मार्शल नहीं करवा दिया तो मेरा नाम भी ममता नहीं। वाह, क्या नाम है ममता, ये किसका नाम है? क्यों, मेरा नाम ममता नहीं हो सकता? आपका नाम ममता? Anyway, मैंने ऐसा तो नहीं। ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, अगर हीरो ही बनना है तो मेजर सान्याल की तरह बनो। मेजर सान्याल, ये कौन है? उसने ऐसा कौन सा कमाल किया है जो तुम जैसे लोफर कभी नहीं कर सकते? लगता है आपके दिल में मेजर क्या नाम बताया आपने? मेजर दिग्विजय सान्याल। हाँ वही, आपको उससे इश्क हो गया है। हो जाए, एनी प्रॉब्लम? मैडम मैडम, अगर मैं भी मेजर सान्याल की तरह कुछ कमाल करके दिखाऊं तो क्या आप भी? शट अप, डोंट इवन कंपेयर योरसेल्फ टू मेजर सान्याल। हाँ, एक काम में तो तुम जरूर कमाल कर सकते हो, लोफरी में, अंडरस्टैंड? थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इस काबिल तो समझा। आइंदा आपने मेरा पीछा किया तो आई वॉर्न यू। हेलो हेलो बेटे, मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे पिता। गुड मॉर्निंग पिताजी। गुड मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग। बेटे तुम्हारे बारे में अखबार में एक कॉलम छपा है जिसे पढ़कर वाकई मुझे बहुत खुशी हुई। I'm proud of you, बेटे। बेटे आज मैं तुझे एक ऐसी खबर दे रहा हूँ जिसे सुनकर तू खुशी से झूम उठेगा। जल्दी से बोलिए ना पिताजी। बेटे तेरा भाई विजय इंस्पेक्टर बन गया है। जल्दी से उसे फोन पर बुलाइए, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। बेटे विजय तो अपनी ड्यूटी पे गया हुआ है। May I come in, sir? Come in, please. Thank you. इंस्पेक्टर विजय रिपोर्टिंग। बैठो। थैंक यू। First of all, I must congratulate you for the beginning of your new life. Thank you, sir. तुम जानते हो विजय हमारे देश के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र का क्या महत्व है? इसे धारण करने का सौभाग्य या तो सेना को प्राप्त होता है या फिर पुलिस फोर्स को, क्योंकि इन्हीं दोनों के कंधों पर देश के अंदर और बाहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। मैं वादा करता हूं सर, ये राष्ट्रीय चिन्ह और वर्दी का गौरव मैं हमेशा कायम रखूंगा। हमारे डिपार्टमेंट को तुम जैसे नौजवानों की सख्त जरूरत है। नाउ गो एंड टेक योर चार्ज। यस सर। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हेलो। ओ हेलो, ये क्या कर रहे हैं आप? ये दारू का अड्डा नहीं है, पुलिस स्टेशन है। आई नो इंस्पेक्टर, ये जो पुलिस स्टेशन है ना, सिर्फ स्टेशन बनकर रह गया है मेरे लिए। बहुत फ्रस्ट्रेटेड लगते हैं आप। तुम पीते हो? नहीं। तो फिर पीना शुरू कर दो इंस्पेक्टर, अपने सारे आदर्शों को, सारे जोश को इस शराब में डुबो दो, खुश रहोगे। आप खुश हैं? बेहद खुश हूं इंस्पेक्टर, काश मैं अंधा होता तो रुद्राक्ष जैसे रावण से कभी आमना सामना नहीं होता।
रुद्राक्ष? हाँ, काली दुनिया का बादशाह। क्या करता है रुद्राक्ष? गुंडागर्दी, किडनैपिंग, स्मगलिंग, तमाम दारू के अड्डे, यानी के हर तरह का काला धंधा उसकी देख रेख में चलता है। और हमारा कानून? कानून की कोई भी धारा उस पर लागू नहीं होती है इंस्पेक्टर। पुलिस रिकॉर्ड में उसके नाम पर सैकड़ों कंप्लेन दर्ज हैं, लेकिन क्या फायदा? रुद्राक्ष का एक इशारा पाते ही वो फाइल हमेशा के लिए बंद हो जाती है। मैं खोलूंगा वो फाइल। अरे ओ बाबा, इंस्पेक्टर साहब के लिए चाय। मैं चाय नहीं पीऊंगा, तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछिए साहब। तो समझ कर जवाब देना। 15 दिन पहले दिन के करीब 1 बजे एक आदमी को यहाँ तलवार से मारा गया था। सुना था साहब। सुना था? देखा नहीं? उस दिन दुकान बंद थी, मगर जो तस्वीर हमारी फाइल में उसमें तुम्हारी दुकान खुली है। वो किसी और की दुकान है साहब। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। हाँ नमस्ते। रुद्राक्ष को जानते हो? उन्हें कौन नहीं जानता, देवता समान आदमी है। देवता? कितना हफ्ता देते हो? वो क्यों किसी से हफ्ता लेने लगे? वारदात के वक्त कहाँ थे तुम? मैं 1 बजे से 3 बजे तक दुकान बंद रखता हूँ, घर पे खाना खाने जाता हूँ। 1:30 बज गए। बस जा रही आता, आप आ गए। अगर तुम सब अपनी जबान बंद रखना चाहते हो तो कोई भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। ला लेता तुम पर। तो तुम नए इंस्पेक्टर हो? मुबारका, मुबारका। कौन हो तुम? हंसी आती है तेरी नादानी पर कि तू रुद्राक्ष को नहीं पहचानता। कोई बात नहीं, नए नए आए हो ना, गलती होती रहती है। आइंदा मुझे पहचानने में गलती मत करना। अच्छी तरह से ये शक्ल देख ले। तेरे बारे में बहुत कुछ सुन चुका हूं और जान भी चुका हूं। अरे भाई, तुमने इतनी अच्छी बात बोली है, तुम एक बात बोलू, आइंदा उस बस्ती में घुसकर मेरे खिलाफ गवाह ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम अपना वक्त बर्बाद करोगे। अरे भाई, नए नए आए हो, अपने दूसरे कामों में ध्यान दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। शट अप, ज्यादा बकबक मत कर, एक बात कान खोलकर सुन ले। अब तेरा सामना इंस्पेक्टर विजय से होगा, तेरे हर कदम पर मेरी नजर होगी, इसलिए मेरी सलाह है कि तू अपने जुल्मों पर लगाम डाल। इंस्पेक्टर, मुझे तुम पर तरस आ रहा है, फिर भी मैं तुमको एक बात समझा देता हूं। रुद्राक्ष के पीछे लगने के 3 अंजाम हैं, या तो वो पागल हो जाता है, या उसका तबादला हो जाता है, या फिर वो खुद ही मौत को गले लगा लेता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। रुद्राक्ष, जाते जाते मेरा भी फैसला सुनते जा। जिस दिन तेरे खिलाफ मेरे हाथ कोई सबूत लग गया तो तेरे लिए 3 नहीं सिर्फ 1 ही रास्ता होगा, और वो सीधा तुझे फांसी के फंदे तक पहुंचाएगा, समझा तू? ऐसा कभी नहीं होगा इंस्पेक्टर। बेटे एक बात बताओ, आज नौकरी का पहला दिन कैसा रहा? अच्छा था, इंटरेस्टिंग। हाँ बेटे, वो कपूर अंकल का कई बार फोन आ चुका है। कौन कपूर अंकल? बेटे मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। असल बात यह है कि बेटे अब तुम्हारी नौकरी लग गई है, क्यों ना एक बार चल के उनकी भांजी को देख लें, हर लिहाज से वो हमारे इस घर की बहू बनने के लायक है। लेकिन पिताजी, इतनी जल्दी भी क्या है? बेटे तुम्हें जल्दी नहीं, लेकिन मुझे है। जिंदगी का क्या भरोसा, पता नहीं कब बुलावा आ जाए, इसलिए मैं सोचता हूँ कि कुछ दिन बहू की सेवा का आनंद उठा लूँ। लेकिन पिताजी लोग क्या कहेंगे?
बड़े भाई की अब तक शादी नहीं हुई और छोटे ने। तुम बेटे कहाँ बड़े भाई की बात ले बैठे, दो तीन साल में एक बार तो उसकी शक्ल देखने को मिलती है और अगर शादी की बात करता हूँ तो बहाना बना के टाल देता है। लेकिन हाँ बेटे, अगर उसे अब ये मालूम होगा कि छोटे भाई की शादी हो रही है तो मुझे यकीन है कि वो अपनी शादी के लिए राजी हो जाएगा। ऑफिसर्स, आपने जो कारनामा अंजाम दिया है उसकी पुलिस ने बहुत तारीफ की है। दरअसल आज का हमारा हीरो है मेजर दिग्विजय सान्याल, जिसने अपनी जान पर खेलकर 15 बच्चों को हाइजैकर्स के कब्जे से छुड़ाया है और एक औरत की भी जान बचाई है, उस पर हमें फक्र है। लेकिन पापा, ये आपका मेजर सान्याल कहाँ है? बेटी वो वक्त पर पहुँच जाएंगे। हाँ, मैं आपको इनसे इंट्रोड्यूस कराना तो भूल ही गया। मीट माई डॉटर ममता चौधरी। हेलो मैम। ये अभी पिछले महीने ही यहाँ आई हैं। आज की पार्टी इन्हीं की तरफ से है। इसके दो मकसद हैं, एक तो आप सबसे इंट्रोड्यूस होना, दूसरे मेजर सान्याल से मुलाकात। Well done. Once again you did it. Thank you. पापा पापा देखो, वो लुच्चा यहाँ भी पहुँच गया। पापा, ये लोफर मुझसे 3 बार जानबूझकर टकराया है। What? Yes पापा, इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। तो ये लोफर जानबूझकर तुमसे 3 बार टकराया है? अभी मजा चखाता हूँ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्यों, तुमने मेरी बेटी को 3 बार टक्कर मारी? ये आपकी बेटी है? जी हाँ। टू बी ऑनेस्ट सर, 3 बार नहीं, 4 बार टकराए। छी, कितना बेशर्म आदमी है। अच्छा ये बताओ, क्या तुमने जानबूझकर टक्कर मारी थी? सर पिछले 1 महीने से मेरी कुंडली में कुछ बदलाव आया है, किसी ना किसी बहाने से इनसे टकराव हो रहा है। मैं खुद बहुत परेशान हूँ, इससे पहले मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। अब दोबारा ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। सर इसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता, ऑल डिपेंड्स ऑन माय कुंडली। कितना बदतमीज आदमी है ये, इस आदमी का कोर्ट मार्शल कीजिए। इसको इसकी सजा जरूर मिलेगी। बेटी जरा पार्टी हो जाने दो। नो पापा, ये आदमी इस पार्टी में नहीं रहेगा। मेजर सान्याल के आने से पहले इसे यहाँ से हटा दीजिए। अरे आप लोग हंस क्यों रहे हो? क्योंकि तेरे इसी लोफर का नाम मेजर दिग्विजय सान्याल है। अच्छा आप यंग लोग एंजॉय कीजिए, मैं जरा मिल के आता हूँ। तो ममता जी, उस दिन मैंने आपसे कहा था अगर मैं भी दिग्विजय सन्याल जैसा कोई कमाल का काम करके दिखाऊं तो आप मुझसे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? तो आपने मुझे दिग्विजय सन्याल एक्सेप्ट कर लिया। थैंक यू। आइए आइए मास्टर जी, आइए। आओ बेटा। आइए जी, सुस्वागतम सुस्वागतम। आओ बेटा जी, आओ बैठो बैठो। बेटे पहले आप। भाई कपूर साहब, इंदर कहाँ है? भाई इंदर का क्या है, वो तो सारा दिन अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती ही करता रहता है। ओह, जब से दीदी और जीजा जी का स्वर्गवास हुआ है तब से इंदर और दिव्या का माँ बाप मामा मैं ही हूँ। बस एक ही ख्याल दिल में रहता है कि किसी तरीके से दिव्या के हाथ पीले हो जाए, फिर मैं भी तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाऊं। कपूर साहब, हम दिव्या को ही देखने आए हैं। आप बैठिए, मैं अभी बुलाता हूं। देखो बेटे, दिव्या अगर तुम्हें पसंद ना आए तो मुझे इशारा कर देना, मैं बुरा नहीं मानूंगा। और बेटे मैं अपनी पसंद तुम पे लादना नहीं चाहता। ये मास्टर जी और ये इनके बेटे विजय। किधर रहो बेटे, बैठो। कपूर साहब, चलिए हम लोग बाहर बैठते हैं, बच्चों को बातें करने दीजिए। हाँ, मैं आता हूँ बेटे। जी आइए आइए। देखो दिव्या, मैं वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, इसलिए मैं आपसे साफ साफ पूछना चाहता हूँ कि मैं आपको पसंद हूँ या नहीं।
सच कहिएगा, आई विल नॉट फील बैड। थ्योरेटिकली स्पीकिंग, आप एक परफेक्ट कैंडिडेट हैं। हर लड़की आप जैसे पति की कामना करती है। आप एक पोस्ट ग्रेजुएट हैं, इंस्पेक्टर हैं, आपका छोटा परिवार है, अपना घर है, लेकिन प्रैक्टिकली कहना मुश्किल है कि आप कैसे इंसान हैं, आपका नेचर कैसा है। शायद इसीलिए लोग खानदान देखते हैं। उस लिहाज से आप मास्टर जी के बेटे हैं, बस इतना परिचय काफी। थैंक यू दिव्या, आज तक इतने खूबसूरत ढंग से किसी लड़की को एक्सप्लेन करते हुए नहीं देखा। वैसे आपकी मेरे बारे में क्या राय है? फिलहाल तो इतना ही कह सकता हूँ कि अगर पिताजी के साथ यह नहीं आता तो मुझसे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं होता। आपके घर में कौन कौन है? सिर्फ मैं, पिताजी और मेरे बड़े भाई मेजर दिग्विजय सान्याल। तो आप भाभी को साथ में क्यों नहीं लाए? भाभी? भाई साहब ने अभी तक शादी नहीं की तो भाभी कहाँ से लाऊं? तो फिर आप? इसका जवाब शायद पिताजी दे सकते हैं। मुझे लगता है भाई साहब अपनी काम की वजह से अपनी शादी को टालते रहते हैं। देखिए ना, आप और हम यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं और ना जाने भाई साहब किस मिशन में बिजी होंगे। ऐसा छक्का उछल के मेरा दिल सीने से इन होठों पे हटका। अरे अब तो रहा न जाए, अरे ओ अब तो रहा न जाए। खुली खुली मेरी जुल्फों में दिल तेरा क्यों अटका, छोड़ दे मेरा पीछा वरना फिरेगा भटका भटका। अरे हाँ तुझसे रहा न जाए, ने बुलाया आपको। ठीक है मैं आती हूँ। क्या बात है पापा? बैठो बेटा,
आओ। पापा आप इस तरह मुस्कुरा क्यों रहे हो? क्यों ना मुस्कुराऊं? हमें किस बात का गम है? जिस काम के लिए बुलाया था वो तो मैं भूल ही गया। ये फोटो देखो, कैसा लगा? अच्छा है, लेकिन ये फोटो किसका है? ये राजेश वर्मा है, वर्मा केमिकल्स का इकलौता वारिस। इसके पिताजी राकेश वर्मा मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। कम से कम 20-25 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है इन लोगों की। एक और फोटो है मेरे पास, इस फोटो को जरा गौर से देखो। इसका नाम विनय सिन्हा है, यूएसए से बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करके ये अब भी इंडिया लौटा है। इसके पिताजी बिग शॉट हैं, सारे हिंदुस्तान में इनका कारोबार है। एक्सक्यूज मी पापा, आप ये सब बातें मुझे क्यों बता रहे हैं? इनके बारे में जानकर मैं क्या करूंगी? क्योंकि इन दोनों में से ही किसी एक खानदान के तुझे बहू बनना है। अगर आपको ये दोनों फोटो इतने ही पसंद है तो आप खुद ही शादी कर लीजिए, मेरी नींद क्यों खराब कर रहे हैं आप? अरे बेटी सुन तो, एक फोटो और देख। मुझे और कोई फोटो नहीं देखनी। बेचारा मेजर मारा गया। मेजर? ओ पापा। This is my final choice, Papa. I love you, Papa. हेलो। हेलो, कैन आई स्पीक टू दिव्या? दिव्या कौन बोल रहा है? दिव्या को दीजिए ना। ए शाणे, नाम नहीं बोल सकता क्या? देखिए मैं विजय बोल रहा हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? तुझे मुझसे क्या लेना देना, दिव्या से क्या काम है बोल। आप इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं? मुझे जो कुछ भी कहना मैं दिव्या से कहूंगा। ए जासी नाटक नहीं करने का हा? और आइंदा इधर फोन नहीं करने का, समझा? कमाल के आदमी आप, शायद आपको पता नहीं मेरी और दिव्या की शादी होने वाली है। क्या बोला तू? तेरी ये हिम्मत, अगर आइंदा इधर फोन किया तो तोड़ के रख दूंगा, समझा? साला लोफर कहीं का। किसको गाली दे रहा है? ये तेरा क्या चक्कर चल रहा है? कौन सा चक्कर? ए ज्यादा बनने की कोशिश मत कर, बड़े रुआब से बात कर रहा था वो फोन पर। कौन बातें कर रहा था? कोई भी हो, अब दोबारा फोन नहीं आना चाहिए, तेरे को समझा देता हूँ। अरे क्या समझा रहा है तू? इस दिव्या को, इसका अंदर ही अंदर क्या चक्कर चल रहा है कुछ पता है आपको? क्या चक्कर चल रहा है? साला तू आपसे फोन पर बोलता है मेरी दिव्या से शादी होने वाली है। कहीं विजय का फोन तो नहीं था? हाँ वही नाम बताया था। अबे गधे, ये क्या कर दिया तूने? सारा दिन गेंडे की तरह इधर उधर घूमता फिरता है, घर में क्या हो रहा है क्या नहीं कुछ पता है तुझे? क्या करता है लड़का? इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर विजय सान्याल, समझा कुछ? क्यों मिस्टर इंदर, तुम तो अपनी दीदी पर बहुत दादागिरी झाड़ते हो, एक बार शादी हो जाने दो फिर मजा चखाऊंगी। हेलो। हेलो मेजर। ए बिजू, मैं तेरे बारे में ही सोच रहा था। सच? मेरी फोटो मिली कि नहीं? हाँ मिली। कैसा लग रहा हूँ? जस्ट फैंटास्टिक। दिल ऐसा करता है तेरे पास भाग कर आऊं और तुझे गले। तो फिर आ जाओ ना, देर किस बात की? काश ऐसा होता, मगर इस बार तो आपको आना ही पड़ेगा। क्यों क्या हुआ? बात ही कुछ ऐसी है, सुनोगे तो दंग रह जाओगे। अरे बोलते सही। वो भैया मैं शादी कर रहा हूँ। व्हाट? हाँ भैया, मैंने सोचा आप हर मामले में मुझसे आगे निकल जाते हैं, यही एक मामला जिसमें मैं आपसे आगे निकल सकता हूँ, आप आएंगे ना? अरे मैं तो आऊंगा ही, और साथ ममता को भी ले आऊंगा। ममता? ये ममता कौन है? वाह भैया वाह, किस पर गोली डाल दी? अरे भाई छोड़ इस बात को, मैं खुद घायल हो गया। चलो इस खुशी के मौके पर हमारी होने वाली भाभी से भी तो मुलाकात हो जाएगी, आप आओगे ना भैया? अच्छा ये बता शादी कब है? अगले मंडे। बाय इंस्पेक्टर। ओके मेजर, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू, बाय। ए बिजू आई लव यू, वेलकम। अरे भाई हमारी शक्ल इतनी गई गुजरी तो नहीं है कि हमें एक फूल भी नसीब नहीं हो? देखा दादी, इन्हें भी पता चल गया कि आपको फूल नहीं बंदूक ज्यादा पसंद है। चलो चलो। वेलकम वेलकम, लीजिए।
आइए नमस्ते। हेलो विजय, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच। दिव्या, ये हमारे बॉस हैं डीसी पी एस कुमार, और ये दिस इज माय ओनली डॉटर कविता। हेलो। हेलो, कंग्रेचुलेशन। पिताजी आप, थैंक यू, एडमिशन। मैं जानता हूँ बेटे इनको। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते बेटे, तुम जरा यहाँ बैठो, मैं मिस्टर मल्होत्रा से बात करके आता हूँ। ये कुड़ी पंजाब दी, बल्ले बल्ले। ये छले बंगाल का, बल्ले बल्ले। आप अकेली बैठी हैं? ये लीजिए कोल्ड ड्रिंक। थैंक यू। आप बिंदास पीजिए, नो प्रॉब्लम, यू माय गेस्ट। बाय द वे, इंस्पेक्टर विजय की जिसके साथ शादी हो रही है वो मेरी दीदी है। ओह, अच्छा अच्छा, आपकी दीदी। कितनी अच्छी लग रही हैं, है ना? ओह यस, शी लुक्स ब्यूटीफुल। वैसे आप भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक्स। आप पीजिए ना, मैं अभी आता हूँ। अरे अभी तक आपने पिया नहीं, ये तो हॉट ड्रिंक बन गया, ये लीजिए। नहीं नहीं, नो फॉर्मेलिटीज प्लीज। बाय द वे, मेरी दीदी की जैसे शादी हो रही है वो मेरे जीजा जी हैं। अच्छा, तो नाइस। आप पीजिए ना, पीजिए पीजिए। बाय द वे, यू आर मिस्टर इंदर। वैसे इंदर भी बोलेंगी तो चलेगा। इंदर जी, अब आप ये मत बताइएगा कि आप उन दोनों के क्या लगते हैं। वो है मेजर सान्याल, मेरे जीजा जी के भाई, और उनके साथ है उनकी फियांसी। आप लीजिए ना, वरना फिर से हॉट ड्रिंक हो जाएगा। मैं जाता हूं। शादी करके नौकरी के लिए अजनबी शहर में क्या गए? हमारी बीवी हमारे लिए अजनबी हो गई।
ऐसे शर्मा रही है जैसे मैं जानती नहीं। उफ, क्या खूबसूरत हाथ है, मगर चप्पू चला चला कर गड्ढे पड़ गए। बेफिक्र हो, ये भी ठीक हो जाएंगे। तुमने क्या मेरे हाथों की तारीफ करने के लिए मुझसे शादी की है? अरे भाई, हाथों की तारीफ करना कोई बुरी बात तो नहीं। और वैसे भी दुनिया के अलग अलग देशों में औरत के अलग अलग अंगों को देखकर उसकी खूबसूरती का अंदाजा लगाया जाता है। वो कैसे? अमेरिका में औरत के गाल को देखकर उसकी खूबसूरती का अंदाजा लगाया जाता है, यूरोप में उसकी आंख, ईरान में उसकी नाक, फ्रांस में उसकी होंठ, और जापान में उसके पैरों को देखकर उसकी खूबसूरती का अंदाजा लगाया जाता है, और हमारे देश में उसकी खूबसूरती उसकी शर्म और हया ही होती है। छोड़ो, ये क्या कर रहे हो? अरे बोलो मत। आज की रात पत्नी बोलती नहीं, क्योंकि पत्नी के होंठों पर पति के होंठों का प्यार होता है। अरे शर्माना, ऐसे घबराओ ना, यूं ना छुपो मेरे पास आओ ना। Thank you.
करना। चल बेटा इंदर, डर मत, हिम्मत करके आगे बढ़ और अपने दिल की बात जाकर बता दे। चलना। वाओ, क्या ड्राइंग रूम है। आप जी पहचाना, आप मेरी दीदी की शादी में आई थी। हाँ, जिनसे आपकी दीदी की शादी हो रही थी वो शायद आपके जीजा जी थे, है ना? अरे आपने तो क्या सॉलिड पहचाना, यू हैव गॉट अ वेरी शार्प मेमोरी। डीसीपी साहब कहाँ हैं? मुझे उनसे कुछ काम था। डैड तो निकल गए, 10 मिनट पहले आए होते तो शायद आपकी मुलाकात हो जाती। वैसे डैडी शार्प 10 बजे निकल जाते हैं। ओह आई सी। मैडम कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं आपसे मिलने के बहाने आया हूँ? नहीं नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। आई लाइक इट। नहीं तो आजकल की लड़कियां तो बस यही सोचती हैं कि लड़के उनसे मिलने का बहाना ढूंढते रहते हैं। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर नॉट इन दैट कैटेगरी। आप कहीं बाहर जा रही हैं? जी हाँ, मार्केट तक जा रही हूँ। ओह वेरी गुड, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, तो क्या आप मुझे वहाँ तक लिफ्ट देंगी? व्हाई नॉट, चलिए। सो नाइस ऑफ यू। हाँ तो मैडम, मेरा नाम कविता है। हाँ हाँ कविता। हाँ तो कविता जी, कहीं आप ये तो नहीं सोच रही हैं कि मैं जबरदस्ती लिफ्ट पाने के लिए आपके साथ मार्केट तक जा रहा हूँ? नहीं जी, शुक्रिया। मुझे पता है आप मेरे घर क्यों आए हैं। मतलब ये गुलाब का फूल आप मेरे डैडी को देना चाहते थे, लेकिन शायद आपको पता नहीं कि डैडी को फूल बिल्कुल पसंद नहीं। जी जी हाँ, लाइए ये फूल मुझे दे दीजिए। बारह बजने को आ गए और ये डीसीपी का बच्चा अभी तक निकला क्यों नहीं? आज चाहे कुछ भी हो जाए, अपुन अपने दिल की बात बता कर ही रहेगा। देख कविता, मेरे को नाम मत कहना, नहीं तो ये इंदर खत्म हो जाएगा। आई शपथ, तेरे एक इशारे पर अपुन अपनी जान भी दे सकता है। अपुन अब तेरे बगैर जी नहीं सकता। एक्सक्यूज मी, तुम मतलब आप? जी मैं। अब चले? चलिए। लीजिए जस्टिस सिन्हा, बचाइए अपने राजा साहब को। मिस्टर कुमार, जैसे सिन्हा को मात देने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ। अच्छा, तो चलिए। जैसे सिन्हा को मात देना बहुत मुश्किल काम है। हाँ, ये लीजिए जनाब। नाउ यू सेव योर किंग। भाई हम आपका फैसला कैसे ठुकरा सकते हैं सिन्हा साहब? आखिरकार जज का फैसला तो सर्वोपरि होता है, मानना ही पड़ेगा। लीजिए, हमने अपने किंग को पीछे ले लिया। हाँ, गुड 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 गुड। सिन्हा साहब, हाँ, आजकल आपकी फैमिली कहाँ है? भाई अभी तो गाँव में ही है, वहां मैं 3 मंजिला मकान बनवा रहा हूँ। अरे भाई अभी तक 50 लाख का खर्चा आया उस पर। तो फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मकान बनवा रहा हूँ, कहिए पैलेस बनवा रहा हूँ, पैलेस। भाई क्या है कि अभी रिटायरमेंट होने में 2-3 साल बाकी, उसके बाद तो मैं वहीं सेटल हो जाऊंगा। हाँ वैसे आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया, हमारा पैटर्न ऑफ जॉब ही ऐसा, जब तक हम कुर्सी पर हैं तब तक हमें इज्जत मिलती है, लोग सलाम करते हैं, जैसे ही कुर्सी से नीचे उतरे तो एक भिखारी भी साला हमें पूछने नहीं आता। यू आर राइट। अरे यार इतना वक्त हो गया है, ये रुद्राक्ष कहाँ रह गया? बस आता ही होगा। मुबारक सिन्हा साहब, आइए 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 आइए। अरे आओ रुद्राक्ष, आओ बैठो। भाई कहाँ रह गए थे? अरे भाई आप जैसी हस्तियों के सामने हमारी हैसियत ही क्या है। वाह भाई, आप लोग बैठिए, हम तो मजदूर आदमी हैं, वो भी डेली वेजेस वाले। जोक अच्छे करते हो। लेकिन रुद्राक्ष तुम बैठो तो सही। भाई मैं चलता हूँ डीसीपी, जरा जल्दी में भाई, अभी भी तो नेताजी से मिलकर आ रहा हूँ, फिर सोचा आप लोगों के दर्शन भी हो जाए। वो क्या है कि बड़े बड़े लोगों की शक्लें देखने के बाद अपने में जरा हिम्मत आ जाती है ना। फिर आप लोगों के भरोसे कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ क्यों नहीं, जो मर्जी करो, हम तुम्हारे साथ हैं। डीसीपी
वो कपूर है ना? कपूर? कौन कपूर? रवि कपूर, डायमंड मर्चेंट। हाँ, क्या हुआ उसका? वो प्रोटेक्शन मनी देने से इनकार कर रहा है। दो इंस्टॉलमेंट देने के बाद अब वो आना का नहीं कर रहा है। सोचता हूँ कल उसे ऊपर पहुंचा दूं। ऊपर जाएगा तो ऊपर वाला उसे प्रोटेक्ट भी करेगा। बस आप दोनों की कृपा चाहिए। चिंता मत करो, उसका इलाका मेरे थाने के अंदर ही पड़ता है, मैं उसको संभाल लूंगा, डोंट वरी। लेकिन केस हमारी अदालत में ही आएगा और फैसला भी हमें ही सुनाना है। हाँ, डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाई, मुझे आप लोगों से यही उम्मीद थी। और हाँ, काम के बाद मिठाई आपके पास पहुंच जाएगी। हाँ हाँ, चिंता मत करो, इस बार मिठाई का वजन कुछ ज्यादा होगा। इससे पहले भी मैं कह चुका हूं कि कपूर के कत्ल का चश्मदीद गवाह मैं हूं। मैंने अपनी आंखों से रुद्राक्ष को कपूर का कत्ल करते हुए देखा है। आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते और रुद्राक्ष के खिलाफ अरेस्ट वारंट क्यों नहीं इशू करते? डोंट गेट एक्साइटेड इंस्पेक्टर विजय सान्याल, हमारे सामने कानूनी मजबूरियां हैं। सबसे पहले तो यह कि इस केस के चश्मदीद गवाह तुम, और दूसरा यह कि रुद्राक्ष का पुलिस के साथ 36 का आंकड़ा है। अगर हमने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की तो अदालत तो यही समझेगी कि हम उसे जानबूझकर इसमें फंसाना चाहते हैं। सर, मगर आप तो जानते हैं कि यह सच है। हाँ, मगर जब तक तुम इस केस के बारे में कोई दूसरा चश्मदीद गवाह खड़ा नहीं करते, इसमें कोई दम नहीं है। और मैं ये भी जानता हूं कि रुद्राक्ष को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। अगर उसने खून किया है तो उसे सजा जरूर मिलेगी, बिकॉज क्राइम डजंट पे। ओके सर। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, मैंने तेरे को कहा था ना कि मेरे खिलाफ गवाही इकट्ठी करने की कोशिश मत कर। लगता है मेरी बातें तेरी अकल में घुसने वाली नहीं है। अब ये मेरी आखिरी चेतावनी है। दो कौड़ी के इंसान मुझे धमकी देने आया है। इंस्पेक्टर, तमीज से बात करना सीख। मेरा नाम है इंस्पेक्टर नहीं, इंस्पेक्टर विजय सान्याल है। समझा? कहीं तेरा ताल्लुक मेजर सान्याल से तो नहीं? वो मेरे बड़े भाई हैं। मुबारका है, मुबारका। तभी तो मैं कहूं कि इतना जोश तेरे खून में कहां से आ गया। अब बात घुसी मेरे भेजे में। याद है इंस्पेक्टर, मैंने तुमसे कहा था मेरे पीछे लगने वाले या तो पागल हो जाते हैं, या उनका तबादला हो जाता है, या मौत उनको गले लगा लेती है। मैंने तेरे नाम मौत लिख दिया है। मुबारका, मुबारका। भाग जा, चलो। क्या बात है दिव्या, काफी परेशान लग रही हो। मुझे बहुत डर लग रहा है विजय। डर? किस बात का डर? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? मुझे क्या होगा? रुद्राक्ष, तुम अपना ट्रांसफर। विजय सान्याल की बीबियों का डरती हो? जब तक तुम्हारा प्यार मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं होगा। यकीन है ना अपने प्यार पर?
क्या रे रुद्राज निकल निकल गया? हाँ मैंने क्या तेरे को मना किया था ना, मस्ती मैंने मस्ती में नया क्या बोलता है? दो मुझे चल अपना काम कर। तमीज सीखो लड़के। तमीज सिखाएगा? तमीज सिखाएगा? देखो मेरा बेटा इंस्पेक्टर है। इंस्पेक्टर है? भाई इसका बेटा इंस्पेक्टर है। आज इस कुत्ते को यही खत्म कर दूंगा। मारना है तो मुझे मार दो, लेकिन मेरी जबान नहीं बंद कर सकते। अच्छा मेरी जबान? हरो नगर में आज पहली बार किसी ने रुद्राक्ष के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की है। मैं देखता हूं तेरी जबान कैसे बंद नहीं होती। मची इसका मुंह सीधो। नहीं, मुंह सीधो। नहीं। चलो हटो, हटो यहाँ से, चलो काले में। बाबा, 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 ये क्या हुआ बाबा? ए, ए, इधर आओ, चलिए, उठो, उठो। क्या? विजय सान्याल ने रुद्राक्ष को अरेस्ट किया? मैं अभी आता हूँ। बहुत जल्दी तुझे पता चल जाएगा कि तूने किस पर हाथ उठाया है। मुझे तुम्हारे बारे में समझने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि मैंने क्रिमिनल को अंदर किया है। क्या हुआ इंस्पेक्टर सान्याल? सर इसका जुल्म अब हद पार कर चुका है, इसने मेरे बाप के होठ सिलवा दिए हैं। क्या? यस सर, मैंने मंत्री जी को फोन कर दिया है, वो यहाँ आते ही होंगे। इसे फांसी के तख्ते तक पहुंचाकर ही मैं चैन की सांस लूंगा। इंस्पेक्टर विजय सान्याल। हेलो इंस्पेक्टर। सर मैंने ही रुद्राक्ष को गिरफ्तार किया है। बहुत अच्छे, हम खुश हुए। थैंक यू वेरी मच। सर इसने सबकी आंखों के सामने मिस्टर कपूर की हत्या की है, और यही नहीं, आज इसने सबके सामने मेरे पिताजी के होठ सिलवा दिए। क्या? इतना दानवीय कार्य कोई मनुष्य कर सकता है? यह हमारी कल्पना के बाहर है। लेकिन सर, आप चुप रहिए, हमें पूछने दीजिए। जो इंस्पेक्टर सान्याल कह रहा है वो बात सच है या झूठ? हाँ या ना में जवाब दो। हाँ सर, ऐसे दरिंदे को फांसी के तख्ते तक पहुंचाइए, ये इस धरती पर बोझ है। हाथ उठाया, मुझ पर हाथ उठाया। ये मत भूलो इंस्पेक्टर, अगर ये है तो हम हैं और हम हैं तो ये है। रुद्राक्ष को बाहर निकालो। और रुद्राक्ष मैंने तुझसे कहा था ना, तुझे बहुत जल्द पता चल जाएगा
कि तूने किस पर हाथ उठाया है। चुन चुन के मारूंगा। मुबारका ओए मुबारका ओए। क्या बात है दिव्या? हम तुम्हें छुड़ा नहीं पाए। तुमने मंत्री पे हाथ उठाया है, इसलिए कोई भी हमारी फरियाद सुनने को राजी नहीं हुआ। मैं एकदम हार चुकी थी, इसलिए मैंने भाई साहब को इन्फॉर्म कर दिया। मैं निराश नहीं हूं, मैं टूट जाऊंगा मगर हार नहीं मानूंगा। आखिर कब तक अकेले लड़ते रहोगे? अकेला कहां हूं, तुम जो मेरे साथ हो मेरा साथ दोगी ना? अगर तुम ही टूट जाओगी तो पिताजी का ख्याल कौन रखेगा? ध्यान रखना। इंस्पेक्टर देसाई। सर। इंस्पेक्टर विजय सान्याल को रिहा कर दो। क्या? मंत्री जी के दिल में रहम आ गया। उन्होंने इंस्पेक्टर सान्याल के खिलाफ सारे आरोप वापस ले लिए, उसे माफ कर दिया। ओके सर। सर ये आपने क्या किया? फिक्र मत करो, उसके घर पहुंचने से पहले उसके पूरे खानदान को हम खत्म कर देंगे, उसके बाद उसे भी। विजय, विजय, विसाई, विजय, तुम इसी वक्त घर जाओ। तुम्हारे घर वालों की जिंदगी खतरे में है, तुम्हें कैसे पता? मैंने अभी अभी डीसीपी को कहते सुना कि वो तुम्हारे खानदान को खत्म कर देगा। जाओ विजय जाओ। थैंक्स। मेम साहब, मेम साहब, जल्दी बाहर आइए। क्या है? विजय साहब जेल से भाग गए। क्या? और आपको महाकाली के मंदिर बुलाया है। दिव्या, तुम क्या बात है दिव्या? मुझे नहीं। तेरे बड़े भाई की वजह से मेरे भाई की मौत हुई थी, आज मैं उसका बदला सूद समेत लूंगा। ले बचा ले अपनी बीवी की इज्जत।
या मैं हूँ दिव्या? नहीं नहीं दिव्या, अब तू अकेला जी के क्या करेगा? दिव्या नहीं। शाबाश, वारगा, वारगा। ये सब कैसे हुआ पिताजी? दरअसल बेटे, रुद्राक्ष, डीसीपी सिन्हा और नेताजी की मंडली के लिए विजय चुनौती बनता जा रहा था, इसलिए उसे रास्ते से हटाने के लिए उन चारों ने और बेटे मैं कुछ नहीं कर सका। हेलो, कौन? मैं मेजर दिग्विजय सन्याल बोल रहा हूँ। मैं रुद्राक्ष बोल रहा हूँ। मैंने तुझसे कहा था ना मेजर कि ये दुनिया बहुत छोटी है, और आज तुझे इसका यकीन भी हो गया होगा। तेरी वजह से मेरे भाई को फांसी के फंदे पर लटकना पड़ा, और मैंने भी तेरे भाई और इसकी बीवी को मारकर अपना हिसाब सूद समेत चुकता कर लिया है। क्यों किया ना? मुबारका मेजर। नो मेजर नो, मैं तुम्हारा इस्तीफा मंजूर नहीं कर सकता। तुम नहीं जानते तुमने इसमें क्या लिख दिया है। मैं जानता हूं सर, इस रेजिग्नेशन का एक एक शब्द मैंने होशो हवास में लिखा है। प्लीज एक्सेप्ट माय रेजिग्नेशन। तुम्हारे इस्तीफे को मंजूर करने का मतलब है एक होनहार भविष्य को खत्म कर देना। आप किस फ्यूचर की बात कर रहे हैं सर? मेरे भाई और उसकी पत्नी को सरेआम गोलियों से भून डाला। माय फ्यूचर वाज फिनिश्ड एट दैट वेरी मोमेंट। मैं तुम्हारे जज्बात की कद्र करता हूं मेजर, लेकिन क्या तुम्हारे नौकरी छोड़ देने से तुम्हारा भाई या उनकी पत्नी वापस आ जाएंगे? प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। ये मत भूलो कि तुम एक सिपाही हो और देश की रक्षा करना तुम्हारे लिए सर्वोपरि है। दुख तो इसी बात का है सर, जिस देश की रक्षा के लिए हम अपनी जान हथेली पे लेकर चलते हैं, उस देश का कानून अंदर से कितना खोखला और कमजोर है मुझे अंदाजा नहीं था। मुझे अपने भाई की मौत का बदला लेना है सर। मैं गुनाह की उस बुनियाद को जड़ से उखाड़ के फेंकूंगा। लेकिन इसके लिए नौकरी छोड़ने की जरूरत क्या है मेजर सान्याल? तुम अपने आप में पूरी एक फौज हो। तुम? हाँ, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। चलिए, कहाँ जाना है? जहाँ आप जा रहे हैं। नहीं ममता, मुझे यह सफर अकेले ही तय करना है। अकेले ही तय करना था तो मुझे हम सफर क्यों बनाए? क्या तुम मुझे इस काबिल भी नहीं समझते हो? नहीं, ऐसी बात नहीं। प्लीज मुझे अपने इस गम में शामिल कर लो, मुझसे हक मत छीनो। ममता ठीक कहती है। यस मेजर, मेरी बेटी से उसका यह हक मत छीनो। ये मत भूलो कि तुम्हारे पिताजी ने बेटे के साथ अपनी बहू भी खोई है। ममता फिलहाल बहू बनकर न सही,
बेटी बनकर तो उनकी सेवा कर सकती है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम दोनों के साथ है। जीते रहो बेटे, जीते रहो। अच्छा हुआ बेटे तुम लोग आ गए, वरना ये घर अकेले में मुझे काटने को आता है। पर देखो बेटे, वादा करो मुझे अकेले छोड़ के नहीं जाओगे। कहीं नहीं जाएंगे पिताजी, ममता आपकी देखभाल के लिए यहाँ आई है। मैं तुम दोनों की कसम खाता, जिन लोगों ने तुम लोगों की हत्या की है, जब तक उन लोगों से तुम दोनों की मौत का पता नहीं ले लेता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तुम्हारी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। तुम तो बहादुरों की मौत मरे हो, मैं उन लोगों को कायरों की मौत दूंगा। कानून ने तुमसे खेल खेला है, अब मेजर सन्याल कानून को लेकर ऐसा खेल खेलेगा जो किसी ने आज तक नहीं खेला। मैं भी आपके साथ हूं। तुम? हाँ मेजर भैया, उन लोगों ने मेरी दीदी और जीजा जी को मौत की नींद सुलाया है, मैं भी उनसे बदला लेना चाहता हूं, मुझे अपने साथ ले लो। सर, मेजर सान्याल आपसे मिलना चाहते हैं। मेजर सान्याल? जी सर। ठीक है, भेज दो उन्हें। यस सर। मेजर सान्याल? हेलो मेजर सान्याल। हेलो, प्लीज हैव अ सीट। ये इस तरह क्या देख रहे हो मुझे मेजर? देख रहा हूं उस अफसर को जिसकी देख रेख में इंस्पेक्टर विजय सन्याल ने अपने करियर की शुरुआत की। जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूं तो आई फील बैड अबाउट इट, वेरी बैड। बहुत ही बहादुर और होनहार इंस्पेक्टर था। उसकी मौत हमारे पूरे डिपार्टमेंट के लिए बहुत बड़ा लॉस है मेजर सान्याल। उसकी मौत मत कहिए डिसिपी, कहिए कि हत्या हुई है। मेरी इन दोनों आंखों में झांक कर देखिए, एक आंख में नई नवेली दुल्हन की लाश दिखाई देगी और दूसरी आंख में भी जाएगी। मुझे आपसे बहुत हमदर्दी है मेजर सान्याल, हमारी तलाश जारी है, बहुत जल्द ही रुद्राक्ष हमारी पकड़ में आ जाएगा। मुझे रुद्राक्ष की फाइल चाहिए। रुद्राक्ष की फाइल? जी हाँ, उसी की तहकीकात करते वक्त मेरे भाई ने जान गंवाई है, अब मैं उसे अंजाम दूंगा। नहीं नहीं, आई एम सॉरी मेजर, वो फाइल मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि पुलिस रिकॉर्ड की कोई भी चीज हम बाहर के आदमी को नहीं दे सकते। जहां तक उसको अंजाम देने की बात है, वो काम पुलिस का है। किसका क्या काम है ये मेजर दिग्विजय सन्याल को मत समझाइए। मैंने आपसे सिर्फ फाइल मांगी है, एंड आई वांट दैट। मेजर सन्याल, ये पुलिस हेडक्वार्टर्स है, कोई मिलिट्री का ऑफिस नहीं है जहां आपके हुक्म की तामील हो। यहां के कायदे कानून मेरे हिसाब से चलते हैं, मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें रुद्राक्ष की फाइल नहीं दूंगा। यहां के कायदे और कानून दोनों का अंदाजा लग चुका है मुझे डीसीपी। अब मेजर सन्याल की बात तुम कान खोलकर सुन लो, 24 घंटे के अंदर तुम खुद चलकर आओगे मेरे पास रुद्राक्ष की फाइल लेकर। Do you understand? तुम
घबराओ नहीं, मैं अभी आता हूँ। ओके बॉस ने फोन कर दिया होगा, अभी डीसीपी साहब आएंगे। अरे अरे मारो मत तुम लोग, छोड़ा यार। अरे क्या करते हो, लगता है यार आदमी एक आदमी को मारता है। अभी मेरा हाथ खोलो फिर बताता हूँ, अभी बताता हूँ यार क्या कर रहे हो तुम लोग। आ गया तुम लोग का बाप, आ गया। अच्छा वो साहब आप आ गए, वरना ये बचकांडे तो मेरे कान का पर्दा खोल डालते। कैसे नहीं आता, तुम रुद्राक्ष के आदमी हो ना? हाँ सर। चलो चलो गाड़ी में बैठो। तुम दोनों नीचे उतरो। ये क्या पागलपन है मेजर? इसका फैसला भी हो जाएगा, अब तुम मेरे कायदे कानून के हिसाब से चलो। जिस तरह बगैर सबूत के तुम रुद्राक्ष को अरेस्ट नहीं कर सकते या अरेस्ट करना नहीं चाहते, उसी तरह बगैर सबूत के मैं इसे मार दूंगा। मेरा औजार हो गए तुम, चलो अपनी रिवॉल्वर निकालो एंड शूट हिम। लेकिन मैं इसे कैसे मार सकता हूं, मैं तो इसे बचाने आया था। बचेगा तो ये वैसे भी नहीं, अगर तुम इसे नहीं मारोगे तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। नहीं नहीं, डोंट किल मी प्लीज। नहीं साहब, देखो साहब गोली मत मारना साहब, अगर आपने मुझे मार दिया तो आज साहब आप भी नहीं बचोगे। शूट डीसीपी, आई सेड शूट शूट। नहीं साहब देखो, वेरी गुड, वेल डन। अब तुम एक काम करो डीसीपी, तुम अपने डिपार्टमेंट में जाकर कह दो कि तुमने एक गुनेगार की छाती पर 5 फुट की दूरी से गोली चलाकर हत्या कर। और अगर तुम ये कहना नहीं चाहते हो तो तुम रुद्राक्ष को जाकर कह दो कि तुमने खुद उसके आदमी की हत्या की है। और अगर तुम ये भी नहीं करना चाहते हो तो चलो मैं खुद चलकर रुद्राक्ष से कह देता हूं। नहीं 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 मेजर, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, मेरी पोजीशन बहुत खराब हो जाएगी और रुद्राक्ष भी मुझे नहीं छोड़ेगा। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू मेजर प्लीज। अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं ऐसी कोई हरकत करूं तो मुझे रुद्राक्ष की फाइल दे दो। ठीक है जैसा तुम कहो। 10 लाख के गुड बॉय। रुद्राक्ष से यह भी कह देना कि मैंने जंग का ऐलान कर दिया है। इंदर क्या बात है, तुम इतने खामोश क्यों बैठे हो? तुम्हारी खामोशी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि तुम चुपचाप रहते हो, मुझसे दूर दूर भागते हो। फोन करती हूँ तो फोन पर भी आना नहीं चाहते हो, मेरी बात का ठीक से जवाब भी नहीं देते हो। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो बता दो ना। प्लीज कविता, इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दो। अकेला छोड़ दूं? तो अब तुम्हें मेरा साथ भी पसंद नहीं इंदर? मुझे इस तरह तड़पा कर परेशान करके तुम क्या साबित करना चाहते हो? ये जाकर अपने बाप से पूछो। क्या मतलब? मतलब मेरी दीदी और जीजा जी की हत्या में तुम्हारे पिताजी शामिल थे। ऐसा कभी नहीं हो सकता, मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं। तुम विश्वास करो या ना करो मगर ये सच है। अगर ये सच है तो मेरे लिए मेरे पिता हमेशा हमेशा के लिए मर चुके हैं, और अगर ये झूठ है तो तुम्हारे लिए तुम्हारी ये कविता हमेशा हमेशा के लिए मर चुकी है। अरे इतना अंधेरा हो गया और अभी तक किसी ने घर में लाइट तक नहीं जलाई? लाइट मत जलाइए डैडी। अरे ये तो अंधेरे में बैठी क्या कर रही है बेटी? मुझे आपसे कुछ पूछना है, वो भी अंधेरे में, क्योंकि हो सकता है रोशनी में आप मेरे सवाल का जवाब देने में हिचकिचाएं। मैं क्यों हिचकिचाऊंगा कविता बेटी,
ये तो कैसी बातें कर रही हैं आज बेटी, ये क्या बचपना है? डैडी, आप मेरे सिर पर हाथ रखकर कसम खाइए कि मैं आपसे जो कुछ भी पूछूंगी आप उसका सही से जवाब देंगे। ठीक है बाबा, ये लो, मैं तुम्हारे सर पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ कि जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। बोलो। अगर आपका जवाब हाँ में हुआ तो हमारा ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, और अगर आपका जवाब ना में हुआ तो मुझे आपकी बेटी कहलाने में गर्व होगा। आखिर तुम पूछना क्या चाहती है? क्या आप इंस्पेक्टर सान्याल और उनकी पत्नी की हत्या में शामिल थे? कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो बेटी? मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। बेटी, वो क्या है कि वो मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया है डैडी, अब तो आप में सच बोलने की भी हिम्मत नहीं रही। मैं जा रही हूँ डैडी, आज से आपकी कविता हमेशा के लिए मर चुकी है। कविता, रुक जाओ कविता। मुझे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए डैडी। ये क्या पागलपन है कविता? मैं कहती हूँ मुझे छोड़ दीजिए डैडी, अब तो आप ये अधिकार भी खो चुके हैं डैडी। बेहतर यही होगा कि आप अपना हाथ नीचे कर लीजिए। अब मैं घर वापस तभी आऊंगी जब आप अपने पापों का प्रायश्चित कर लेंगे। कविता, ये तो सरासर नाइंसाफी है। बाप के गुनाहों की सजा बेटी को क्यों मिलेगी? एक मिनट, तुम? हाँ मैं। तुम्हारा शक सही निकला इंदर, मैं अपने पिता का घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास चली आई हूँ। नहीं, मैं अपने बहन के हत्यारे की बेटी को अपने साथ नहीं रख सकता, कभी नहीं रख सकता। तुम जा सकती हो। ठीक है, मुझे तुम्हारे इनकार से कोई शिकायत नहीं है। तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है, हो सके तो मुझे माफ कर देना। रुक जाओ कविता, तुम कहीं नहीं जाओ। इंदर, कविता अपने पिता का घर छोड़कर तुम्हारे पास चली आई है। जानते हो क्यों? क्योंकि इसके पिता दिव्या और विजय की हत्या में शामिल थे। या भी तुम्हें इसके प्यार पर शक है? इंदर, मैं इस लड़की की हिम्मत की दाद देती हूँ। मैं जब यहाँ आई थी तो मेरे साथ मेरे पिता का आशीर्वाद भी था, लेकिन कविता के साथ तो वो भी नहीं है। और फिर बाप के गुनाह की सजा तुम इसे क्यों दे रहे हो इंदर? जाओ, कविता से माफी मांगो। जाओ इंदर। मेजर साहब, इस वक्त हमें इन दोनों को अकेला छोड़ देना चाहिए। चले। तू बोल, तेरी मर्जी है क्या?
ओ मेरी जाने जाना ना जान मुझे बेगाना आशिक हो तेरा पुराना सुन ले रे ओ मेरे सनम ए मैंने तुझको लाखों में चुन जी चाय लीजिए। थैंक यू बेटे। बेटे ये दिग्विजय कहाँ गया है? पता नहीं सुबह सुबह कहाँ निकल गए। बेटे तुझे देखता हूं तो बहू की याद आ जाती है। बहुत छोटी उम्र में भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया। दिल छोटा मत कीजिए पिताजी। और फिर होनी को कौन टाल सकता है? अब मैं हूं ना आपके पास। बेटे मैं तुम्हारे पिता कर्नल साहब का शुक्रगुजार हूं जो उन्होंने दिग्विजय के साथ तुम्हें यहां भेज दिया। बेटे तुम दोनों अब जल्दी से शादी कर लो। पिताजी हम दोनों ने फैसला किया है कि जब तक ये विजय और दिव्या की मौत का बदला नहीं ले लेते तब तक हम शादी नहीं करेंगे, चाहे हमारी पूरी जिंदगी यूं ही क्यों ना गुजर जाए। वाह बेटे वाह, धन्य है तू और तेरा इस परिवार के प्रति प्यार। अच्छा तो मैं चलता हूँ। ठीक है बट टेक केयर। डेफिनेटली साहब। आपसे कोई मिलने आए, अपना नाम दिग्विजय बताता है, कहता है डीसीपी साहब ने भेजा है। ठीक है भेज दो। योर हार्ट बीट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग वेल, प्लीज टेक केयर। ब्लड प्रेशर भी काफी हाई है, आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। Be careful. ठीक है डॉक्टर साहब। I will take care of you. Okay, thank you. Bye. Okay, thank you very much. See you. Good evening, Justice Sinha. Very good evening. आइए आइए, please have a seat. माफ कीजिएगा, मैंने शाम के वक्त आपको तकलीफ दी। नहीं, it's all right. कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? So nice. मुझे आपसे कुछ private बातें करनी है। यहाँ भी कर सकते हैं। मैंने आपको कहीं देखा है डीसीपी के साथ? हाँ हाँ हो सकता है, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? डीसीपी साहब ने कहा था कि बात शुरू करने से पहले ये नजराना आपको पेश करें। 10 लाख ये तो पेश किए। काम क्या है? मेरी एक आदमी से दुश्मनी है, उसे मैं मुक्ति देना चाहता। लेकिन मैं इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? आप मुझे ऐसा एक फुल प्रूफ प्लान दें जिससे कत्ल करने के बाद किसी को मुझ पर शक ना, और अगर मैं पकड़ा भी गया तो मुझ पर आंच नहीं आनी चाहिए। आखिर केस तो आप ही के अदालत में आएगा। आप घबराओ मत, मैं आपको सब समझाता हूं। हम इस समाज के 4 खंभे हैं, रुद्राक्ष, डीसीपी, नेताजी और मैं। अगर आप पकड़े भी जाते हैं तो रुद्राक्ष के डर की वजह से कोई आपके खिलाफ गवाही देने नहीं आएगा।
और डीसीपी आपके खिलाफ कोई फाइल नहीं बनने देगा। और हाँ, अगर ये बात ऊपर तक पहुंच जाती है तो वहां नेताजी संभालेंगे। और फिर भी अगर ये केस मेरी अदालत में आता है तो मैं आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा। इस तरह से हमारा ये पूरा नेटवर्क चलता है। लेकिन कोई अगर इंस्पेक्टर विजय सन्याल की तरह बीच में आ गया तो? जो इंस्पेक्टर विजय सन्याल के साथ हुआ वही उसके साथ भी होगा। मतलब ये कि जिस तरह हम चारों ने मिलकर इंस्पेक्टर विजय सन्याल का खून किया था उसी तरह उसको भी अपने रास्ते से हटा देंगे। मैं समझाने जरा खुलकर समझाई हुआ यूं कि इंस्पेक्टर विजय सन्याल ने रुद्राक्ष को कपूर का खून करते हुए देखा तो इंस्पेक्टर विजय सन्याल ने रुद्राक्ष को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया। तो बाद में होना क्या था, मैंने रुद्राक्ष ने डीसीपी और नेताजी ने मिलकर इंस्पेक्टर विजय सन्याल को हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति दे दी। अब आप मुझे बताइए कि मैं किस तरह से खून करूं। वेरी सिंपल, ध्यान से सुनो। थैंक यू सर। वेलकम। सुनिए, आपने ये नहीं बताया कि आप जिसका खून करना चाहते हैं हु इज दैट बिग शॉट। जस्टिस विनय सिन्हा। व्हाट, तुम मेरा? यस जस्टिस विनय सिन्हा, क्योंकि इंस्पेक्टर विजय सन्याल की हत्या में तुम शामिल थे। तुम हो कौन? इंस्पेक्टर विजय सन्याल का बड़ा भाई। कल तुम कोर्ट पहुंचोगे जरूर, लेकिन उस कुर्सी पर बैठ नहीं पाओगे। तुमने उस पवित्र कुर्सी का अपमान किया है। कल तेरी मौत निश्चित है। Yes, Justice Sinha speaking. हाँ, कहिए जस्टिस सिन्हा साहब, कैसे हैं? डीसीपी, तुमने मेजर सन्याल को मेरे पास भेजा था? नहीं तो? What? क्यों, क्या हुआ? उसने तो कल मुझे कोर्ट में मारने की धमकी दी है। What? आपको मार डालने की धमकी दी है? ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं कोर्ट में आपके साथ रहूंगा। आपको कितने बजे घर से निकलना है, कितने बजे कोर्ट पहुंचना है? बिल्कुल 11 बजे पहुंचना मुझे कोर्ट। ठीक है, मैं 10:30 बजे शार्प आपके बंगले पर पहुंचता हूँ। आप मेरे बगैर अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे। I will definitely wait for you. I will wait for you. Please take care of me. I will wait for you. Good morning, Justice Sinha. Very good morning. बहुत अच्छा किया तुम आ गए। बहुत बहुत आपको घबराना नहीं चाहिए भाई, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। Is everything all right? First class. आइए, चलिए। आइए सिन्हा साहब। इंस्पेक्टर सिंह, कोर्ट में कोई भी सस्पिशियस कैरेक्टर नजर आए तो उसे फौरन अरेस्ट कर लेना। यस सर। और अगर वो भागने की कोशिश करे तो उसको गोली मार देना। यस सर। ओके, लीजिए। आ गया आपका कैबिन सिन्हा साहब। आप इत्मीनान से अंदर बैठिए, मैं जरा बाहर का अरेंजमेंट देखकर आता हूँ। नहीं नहीं जी, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम दिन भर मेरे साथ रहोगे आज। आप फिजूल में घबरा रहे हैं सिन्हा साहब, वो यहाँ नहीं आएगा। अरे why don't you understand? वो ब्लैक कैट कमांडो है, कहीं भी आ सकता है वो। नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। ठीक है, चलिए चलो।
तुम ठीक कहते हो डीसीपी, वो शायद अब यहाँ नहीं आएगा क्योंकि 11 बजे में 5 मिनट बाकी है। मैं ठीक 5 मिनट के बाद अपने डाइस पर जाऊंगा। ऐसा नहीं होगा। अपने वादे के मुताबिक मैं तुम्हें तुम्हारी कुर्सी पर बैठने से पहले मारूंगा, जिस तरह तुम लोगों ने मेरे भाई को मारा था। यस इंस्पेक्टर सिंह। सर आप अभी तो आप जज साहब के साथ अंदर गए थे। व्हाट? मैं? कुछ देर पहले आप ही ने तो मुझे हिदायत दी थी कि कोई भी सस्पिशियस आदमी नजर आए तो उसे गोली मार देना। क्या बकवास कर रहे हो इंस्पेक्टर सिंह? मैं तो अभी जस्टिस सिन्हा के घर से ही आ रहा हूँ और मेरे वहां पहुंचने से पहले वो घर से निकल चुके थे। तो जस्टिस सिन्हा के साथ वो आदमी कौन था? अब चलो मेरे साथ। जस्टिस सिन्हा की तबीयत इतनी खराब तो नहीं थी कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हो जाती? हाँ, बात तो अजीब है। मुझे भी ऐसा लगता है कि उसकी मौत नहीं, हत्या हुई है। आप ठीक कह रहे हैं, जस्टिस सिन्हा की मौत नहीं, हत्या हुई। क्या? और ये हत्या की है दिग्विजय सान्याल ने। तुम्हें कैसे पता? वो मेरे ऑफिस आया था और कह रहा था कि जो कोई भी उसके भाई की हत्या में शामिल है वो उसे बख्शेगा नहीं। तो डीसीपी तुमने उसे अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे अभी तक उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। कमिश्नर साहब शहर से बाहर गए हुए, उनके शहर में आते ही मैं उसको शक की बुनियाद पर गिरफ्तार कर रहा हूं। दिग्विजय सान्याल एक ब्लैक कैट कमांडो है, कमिश्नर साहब की इजाजत के बिना मेरे लिए उसे गिरफ्तार करना मुश्किल है। डीसीपी जो करना है जल्दी करो, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो। विजय, मैंने तुम दोनों से वादा किया था कि तुम्हारे कातिल को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जस्टिस सिन्हा को मारकर मैंने अपने इंतकाम की शुरुआत की है। वैसे तो सिन्हा अपनी मौत खुद मारा है, लेकिन कानून की नजर में उसकी मौत का जिम्मेदार मैं हूं। पिताजी, कहीं आप मुझे खूनी तो नहीं समझ रहे? बेटे, जिस बाप का जवान बेटा मर जाए उसका दर्द वो ही महसूस कर पाता है। मुझे मालूम है बेटे कि मेरा बेटा विजय और मेरी बहू कभी वापस नहीं लौटेंगे, लेकिन उनके हत्यारों को उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। बेटे, अगर तू खूनी है तो आज के बाद हर बाप ऐसे ही खूनी बेटे के लिए दुआ करेगा कि भगवान उसे तुझ जैसा बेटा दे। कविता, चलो घर चलो। कौन है आप? ये क्या बदतमीजी है? क्या तुम अपने डैडी को नहीं पहचानती? ये रिश्ता तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन मैंने आपका घर छोड़ा था। ऐसे आवारा लड़के के भरोसे तुम अपने डैडी का घर छोड़कर आई हो, मुझे बहुत हैरानी है तुम्हारी पसंद पर। आपको इस बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। देखो, इस वक्त सिर्फ एक बाप बोल रहा है, लेकिन जब एक डीसीपी बोलेगा ना तो उसका रुख बहुत भयानक होगा। मुझे पता है एक खूनी कुछ भी कर सकता है। शट अप।
और अपनी ये बकवास बंद करो। तुम जानती नहीं जानते हैं डीसीपी साहब, आपके पास बहुत ताकत है, लेकिन अगर आप अपनी तमाम पुलिस फोर्स भी लेकर यहाँ आ जाएं, तो भी आप और आपका कानून हम दोनों को अलग नहीं कर सकता। What? हाँ चलो कविता। क्या सोच रही हो कविता? सोच रही हूँ वक्त भी कैसे करवट बदलता है। कल तक जिस पिता का नाम लेते हुए मुझे गर्व महसूस होता था, आज उसी का नाम लेते हुए मुझे शर्म आती है। लेकिन ये खून के रिश्ते भी बड़े अजीब हैं, हम चाहकर भी तोड़ नहीं सकते। मैं अपने पिताजी से जितनी नफरत करती हूँ, उससे कहीं ज्यादा उनसे प्यार भी करती हूँ। इंदर, अगर पिताजी इस गलत रास्ते को छोड़कर अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर लें, तो क्या तुम उन्हें माफ कर दोगे? अगर प्रायश्चित सच्चे दिल से किया जाए तो भगवान भी उसे माफ कर देते हैं। कविता, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। डीसीपी कुमार जी सर, अपने दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए कि वो मास्कमैन कौन था जिसने आपका मास्क पहनकर जस्टिस सिन्हा की हत्या की। जी, इससे साफ जाहिर होता है कि उसे आपके प्लान की पूरी जानकारी थी। हो सकता है वो अपने डिपार्टमेंट का कोई आदमी हो। जी सर, मैं मुझे उम्मीद है कि तुम जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करोगे। सर, जल्द से जल्द उसे पकड़ने की कोशिश करूंगा। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए आइए डीसीपी साहब, मुझे मालूम था आप जरूर आएंगे, लेकिन आने में थोड़ी सी देर कर दी। मैं तुम्हें जस्टिस सिन्हा के कत्ल के इल्जाम में शक की बुनियाद पर गिरफ्तार करता हूं, चलो मेरे साथ। क्या मैं यह टेप सुन सकता हूं? सुन सकते हो? हुमायूं, इंस्पेक्टर विजय सान्याल ने रुद्राक्ष को कपूर का खून करते हुए देखा, तो इंस्पेक्टर विजय सान्याल ने रुद्राक्ष को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया। तो बाद में होना जाता, मैंने रुद्राक्ष ने डीसीपी और नेताजी ने मिलकर इंस्पेक्टर विजय सान्याल को हमेशा हमेशा के लिए मुक्त किया। क्या हुआ डीसीपी साहब, गाड़ी क्यों रोक दी? वैसे मुझे ये टेप कमिश्नर तक पहुंचानी है, जैसे सिन्हा से बात करते वक्त मैंने टेप कर लिया था। लाओ ये टेप मुझे दे दो। ये लीजिए, बहुत सारी कॉपियां हैं मेरे पास। देखो मैं तो नहीं जानता, तुम गाड़ी से नीचे उतर जाओ, जाओ इससे लेके जाओ। आइंदा ऐसी गलती कभी मत करना, तुम्हारे कानून में इतना दम नहीं जो मेजर को हथकड़ी पहना सके। पहले अपने आप में बुलंदी पैदा करो, जो खुद अपनी औलाद की नजरों में गिर चुका है वो मुझे क्या अरेस्ट करेगा। What happened? क्या बात है, आपने एक घंटे में पूरे 75 चक्कर लगा लिए। तू मेरे चक्कर गिन रहा है? वो सर। वाह वाह वाह, क्या रिसर्च की है मेरे बारे में। अरे सेक्रेटरी हो तो ऐसा। देखा दोस्तों, ये मेरा पर्सनल सेक्रेटरी है। या बॉस टेंशन में है और ये मेरे चक्कर गिन रहा है। अरे तेरे को किसने मेरा पर्सनल सेक्रेटरी बनाया? सर आप ही ने बनाया। गलती हो गई, इसीलिए तो मार खा गया हिंदुस्तान। सर आप क्या सोच रहे हो इस वक्त, ये तो कोई भी बता सकता है, लेकिन आप क्या नहीं सोच रहे हो ये सिर्फ मैं बता सकता हूँ। इन बैठे हुए लोगों से पूछिए कि आप क्या नहीं सोच रहे हो। दोस्तों मैं क्या नहीं सोच रहा हूँ, क्या ये आपको पता है? नहीं। मैं बताऊँ सर, इस वक्त सिर्फ आप देश के बारे में नहीं सोच सकते। मैंने ठीक कहा ना सर, क्योंकि कुर्सी मिलने के बाद नेता के पास देश के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं होता है। शट अप, बहुत बोलता है, इडियट, गधा, नालायक। क्यों मंत्री जी, किस पर इतना चिल्ला रहे हैं? अरे आओ रुद्राक्ष आओ। भाई आप लोग जरा दूसरे कमरे में विश्राम करो, हम आपसे बाद में मिलते हैं। अरे तू क्यों खड़ा, जाना। जी 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 सब जाता हूं।
बैठो। क्या हुआ मंत्री जी? रुद्राक्ष, इस बार राम प्रसाद का पलड़ा कुछ ज्यादा ही भारी है। अरे आप क्यों चिंता करते हैं, मैं वो पलड़ा ही काट डालूंगा, फिर मैं किस मर्ज की दवा हूं? आपकी जीत निश्चित है। फिर मंत्री जी, अगर आपकी गद्दी नहीं रहेगी तो हम मनमानी कैसे कर पाएंगे? अरे ये हुई ना बात, भाई इस देश के नेताओं को तुम जैसे महान लोगों की कितनी जरूरत है। क्यों शर्मिंदा करते हैं मंत्री जी? रावण राज अब बहुत जल्दी खत्म हो जाने वाला है, क्योंकि एक नया राम पैदा हो गया और उस राम का नाम है मेजर दिग्विजय सान्याल। जस्टिस सिन्हा की हत्या के बाद अब हमारे ऊपर वार जरूर करेगा, क्योंकि उसके पास एक ऐसा कैसेट है जिसमें जस्टिस सिन्हा ने सब कुछ कन्फेस किया है, और ये कन्फेशन हम सबको फांसी के तख्ते पर चढ़ाने के लिए काफी है। अरे मैं अभी जाकर उसके पूरे खानदान को मौत के घाट उतार देता हूँ। नहीं रुद्राक्ष, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। एक बार मुझे इलेक्शन जीत जाने दो, इस मेजर सन्याल से तो मैं खुद ही निपट लूंगा। तुम फिलहाल राम प्रसाद से निपट लो। राम प्रसाद चुनाव नहीं लड़ेगा मंत्री जी। पता नहीं कमबख्त इस देश में जागृति कब आएगी। क्या हुआ अंकल? अब देखो ना बेटे, इस बार भी इलेक्शन में प्रोफेसर राम प्रसाद जी खड़े हो रहे हैं हमेशा की तरह, लेकिन फायदा क्या? जीतेगा तो महावीर यादव ही। महावीर यादव? हाँ बेटी, तू नहीं जानती इस महावीर यादव को, ये हमेशा गुंडागर्दी के बल पर, मनी पावर के बल पर इलेक्शन जीतता है। लेकिन अंकल, इस बार प्रोफेसर राम प्रसाद जी की वेव काफी जोरों पर है, स्टूडेंट्स का काफी जोर है। कुछ भी हो बेटे, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि फॉल्स वोटिंग की वजह से इस बार भी ये महावीर यादव ही जीतेगा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, महावीर यादव को करारी हार का सामना करना होगा, उसकी हर चाल को हम बेकार साबित कर देंगे। ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। भाइयों, इससे पहले तीन चुनाव में हार चुका हूं, शायद नतीजा इस बार भी वही निकले, लेकिन मैं निराश नहीं हूं। जिंदगी की आखिरी सांस तक मैं ये लड़ाई लड़ता रहूंगा। इस बार जनता का रुझान देखकर मुझे लग रहा है कि उन लोगों का अंत निश्चित है। किसका अंत आ गया प्रोफेसर, ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे भी राजनीति तुम्हारे किसी काम की नहीं है, जाओ मास्टर जाओ, बच्चों को पढ़ाओ जो तुम्हारा काम है। राजनीति तुम्हारे बस की नहीं है, यह शैतानी दिमाग चाहिए जो तेरे पास है नहीं। तुम चाहते क्या हो? ला चरगुजे, इस कागज पर साइन कर दे, और हां, मंत्री ने वादा किया है कि इलेक्शन के बाद तुझे जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा देगा और साथ में 25 लाख रुपए। अपना कॉलेज बनवा लेना। ये तुमसे किसने कह दिया कि मैं कॉलेज का निर्माण करना चाहता हूँ? लगता है मेरी बातें तेरी खोपड़ी में नहीं घुसी मास्टर। चल इस पेपर पर साइन कर दे। जब पाप हद से बढ़ जाता है, इंतहा जुल्म की होती है, तब अधर्म की होती है। इस बार राम प्रसाद जी नहीं हारेंगे, क्योंकि मेजर सन्याल इनके साथ। अपने मंत्री से जाकर कह देना कि अभी से हार का मातम मनाना शुरू कर दे। मेजर तेरा नसीब अच्छा है, अगर चुनाव नजदीक ना होता, ये जो तूने किया है ना, उसका जवाब मैं तुझे अभी इसी वक्त देता। तू जिंदा बच गया, बच गया तू मेजर, मुबारका मुबारका। चल चरगुजे। कल की मीटिंग की पूरी तैयारी हो गई? यस सर, कल इस मीटिंग में शहर के गणमान्य व्यक्ति इकट्ठा हो रहे हैं, लोग आपका भाषण सुनने के लिए बेताब हैं सर। कल की मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। यस सर, क्योंकि इसका सीधा असर चुनाव पर पड़ सकता है। जी सर। हेलो। हेलो महावे। कौन? मेजर दिग्विजय सन्याल। महावीर यादव, कल की मीटिंग में मैं तुझे ऐसी नसीहत दूंगा
कि तू उस नसीहत को सारी जिंदगी भर याद रखेगा। मेजर तुम चाहते क्या हो? याद है कुछ दिन पहले तूने एक ईमानदार इंस्पेक्टर के मुंह पर बेईमानी का थप्पड़ मारा था। कल की मीटिंग में तुझे पता चलेगा कि एक ईमानदार आदमी के थप्पड़ में कितनी ताकत होती है और उस तमाचे की गुंज दिल्ली के लाल किले तक सुनाई देगी। तू अपनी सेफ्टी के लिए जितनी भी चाहे फोर्स खड़ी कर ले, मेजर सन्याल उसे चीर कर तुझ तक पहुंच जाएगा। कल हम भी देखते हैं कि तुम हम तक पहुंचते कैसे हो। दोस्तों, आज मैं आपको चुनाव का मतलब समझाना चाहता हूं। चुनाव का मतलब सिर्फ चुन के आना नहीं होता, बल्कि अपनी गलतियों को सुधारने का सुनहरा मौका देता है। दोस्तों, नेता कोई भगवान नहीं होता, वो तो आपकी तरह साधारण इंसान होता है। हमसे भी गलती हो सकती है और इसी गलती को सुधारने का दूसरा नाम चुनाव होता है। मैं मानता हूं कि हमसे गलती हुई है और इसी गलती का प्रायश्चित करने के लिए आज मैं आपके सामने इस मंच पर खड़ा हूं। मुझे कोई परवाह नहीं कि इस बार के चुनाव का क्या नतीजा निकलता है, मुझे कोई परवाह नहीं। मंत्री महोदय, बंद करो अपना ये भाषण। तुमने इस देश की बहुत सेवा कर ली, अब और सेवा करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारा फाइनल राउंड हो चुका है। तुम एक झूठे इंसान हो, तुम 420 हो। नहीं, रुक जाओ, छोड़ दो इसे। इस नौजवान को कोई कुछ नहीं कहेगा। यह इस देश का नागरिक है और इसका हक बनता है कि नेता पर आरोप लगाना। बोलो नौजवान, तुम क्या बोलना चाहते हो? तुम्हारे गुनाहों की लिस्ट इतनी लंबी है कि अगर बोलने लगूं तो अगला इलेक्शन भी खत्म हो जाए। तुम्हें अपने किए की सजा मिलनी चाहिए। अगर जनता की नजर में मैं गुनहगार हूं तो मैं प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि प्रायश्चित से ही पुनर्जन्म होता है। मंत्री महोदय, हमने यानी जनता ने अपना प्रतिनिधि चुन लिया है, वो आपको जो भी सजा देगा हमें मंजूर है। कहां है वो? मैं यहां हूं महावीर यादव। तुम? जी हाँ, मैं। तुम यहाँ आए कैसे? मेजर सन्याल जब चाहे जहाँ चाहे पहुँच सकता है, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। इस वक्त मैं जनता का प्रतिनिधि बनकर तुम्हारा हिसाब करने आया। दोस्तों, मैं आप लोगों का एहसान मंद कि आप लोगों ने मुझे इतने बड़े लीडर को सबक सिखाने की जिम्मेदारी सौंपी है। मैं कोशिश करूंगा कि इन्हें सही सबक दे सकूं। दोस्तों, आज तक मैंने किसी मंत्री को इस तरह जनता की अदालत में खड़े होते नहीं देखा। मुझे गर्व है मंत्री जी पर, जो पश्चाताप करना चाहते हैं ताकि इनका पुनर्जन्म हो और ये दोबारा कुर्सी पर बैठ सके। क्यों मंत्री जी? जी हाँ, अब मैं आप लोगों के सामने ये साबित कर दूंगा कि महावीर यादव जबान के कितने पक्के हैं। ये जो कहते हैं वही करते हैं। Shall I proceed? जी हाँ। महावीर यादव के मंत्री होने के बाद जो जो वारदातें हुई हैं वो सब इन कागजों पर लिखी हुई है, और इन वारदातों को मद्देनजर रखते हुए मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इनके गालों पर कस के 3 थप्पड़ मारूंगा। बोलिए, आपको यह फैसला मंजूर है? हाँ, मंजूर है। करीब आओ महावीर यादव, तुम्हारे कदम रुक क्यों गए? अगर आज रुक गए तो जिंदगी भर की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। कमॉन, पहला थप्पड़ इसलिए मारूंगा ताकि तुम जैसे आदमी दोबारा नेता बनने का ख्वाब ना देखे। दूसरा थप्पड़ इसलिए ताकि ये जनता के साथ आइंदा
विश्वासघात ना करे। तीसरा थप्पड़ उस इंस्पेक्टर सन्याल के नाम जिसकी ईमानदारी के बदले तुमने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा था, और मेरा चौथा थप्पड़ होगा चुनाव में तुम्हारी हार। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार महावीर जाधव का पलड़ा भारी है, और इसका कारण है रुद्राक्ष का खौफ। उसके गुंडों ने घर घर में जाकर लोगों को धमकाया है, डराया है, और इस चुनाव में भारी तादाद में फॉल्स वोटिंग भी हो सकती है। अब हम महावीर जाधव को सपोर्ट करेंगे। जल्दी करो, जल्दी उतरो। यारे, अगर ये मेजर के चमचे आ गए, लगता है जरूर कोई गड़बड़ करेंगे। जाओ जाके देखो, और अगर कोई लफड़ा करने की कोशिश कर तो हाथ पैर तोड़ डालना। जाओ। क्या प्रोफेसर को वोट नहीं डालने का क्या? हाँ, महावीर जाधव को वोट डालने का। हाँ, किसको वोट डालने का? महावीर जाधव को वोट डालने का। हाँ, चश्मेश तेरा थोबड़ा तोड़ डालेगा। ये तो अपना काम कर रहे, लगता है बॉस से डर गए होंगे। चल चल के बैठते। सुन लिया ना? हाँ बोला। हाँ समझ गया। प्रोफेसर को वोट नहीं डालने का। समझ गया। डाला तो वोट डालूंगा क्या? हाँ समझ गया। चलो रे, अजीब दादागिरी है। अरे इनको क्या पता हम किसको वोट डालेंगे। अंदर चल के हम सब प्रोफेसर को वोट डालेंगे। चलो। चुनाव के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। ताजा खबर मिलने तक गांधीनगर क्षेत्र से श्री महावीर जाधव अपने निकटतम प्रतिद्वंदी प्रोफेसर राम प्रसाद से 75,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं, और उन्होंने अपनी इस जीत के पीछे मेजर दिग्विजय सान्याल को जिम्मेदार बताया है। अब उनकी जीत निश्चित है। नहीं! और फिरोजपुर से नालंदा और हेलो महावीर जाधव, अब कैसा लग रहा है? तूने तो देश को अपने बाप की जागीर और देशवासियों को अपना नौकर समझ रखा था। अब तेरी कुर्सी पर एक ईमानदार आदमी बैठेगा। अब किसी ईमानदार इंस्पेक्टर को बेईमानी का थप्पड़ नहीं खाना पड़ेगा। मैंने अपना एक फर्ज पूरा किया है महावीर जाधव, अब दूसरा फर्ज पूरा करना है। अरे अगर मैंने भी 6 महीने के अंदर मिड टर्म पोल नहीं कराया ना, तो महावीर जाधव मेरा नाम नहीं। अब तेरा लाइफ टर्म पोल का वक्त आ गया है महावीर जाधव, क्योंकि तेरे नाम पे मौत का ठप्पा लग चुका है। समाचार में तेरी हार के साथ साथ ये खबर भी आएगी कि तूने आत्महत्या कर ली है। हेलो हेलो कोटे, डीसीपी को फोन लगा। अरे मेरा मुंह क्या देख रहा है? डीसीपी को फोन लगा? मैं फोन नहीं लगाता। तू अपने लीडर से ऐसी बातें कर रहा है? कौन लीडर? कैसा लीडर? मैं जा रहा हूं। गेट आउट। हाँ जा रहा हूं। हेलो डीसीपी, तुम जल्दी आ जाओ। मुझे बुलाया महावीर। अरे आओ मेरे दोस्त, तुम्हें देखकर मेरे जान में जान आ गई। बोलो क्या काम है? मैं ये शहर छोड़कर जाना चाहता हूँ। वो मेजर के बच्चे ने मुझे मारने की धमकी दी है। ओ, अगर दी है तो मारेगा ही। इसलिए तो मैंने तुमको बुलाया है। मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ दो ना यार। सॉरी महावीर, आज मैं दिन भर प्रोफेसर रामप्रसाद की ड्यूटी पर हूँ। क्या? अरे कल तक सर सर बोलते हुए तेरी जबान नहीं थकती थी, और आज तू मुझे ही। हमारी मजबूरी थी, वरना तुम जैसे करप्ट आदमी को सर कहना मेरी शान के खिलाफ है। क्या मैं करप्ट हूँ? तो तू कौन सा दूध का दुलावा है? अरे मुझे ईमानदारी सिखाने आया। कल तक तो तू पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकता था, और आज साधु बनने की कोशिश कर रहा है। पैसा गिनते वक्त तो तेरी उंगलियां नहीं थकती थी। बेईमान है तू, बेईमान। और हमें बेईमान बनाने वाले कौन हैं? तुम ही तो हो।
तुम जैसे लीडर ही हमें बेईमान बनने पर मजबूर करते हैं। जब हम ये वर्दी पहनते हैं ना, उस वक्त देश पर मर मिटने की शपथ लेते हैं। वो सारी कस्में वहीं धरी की धरी रह जाती हैं जब तुम जैसे लीडर हमारी पॉकेट को गर्म करते हो और हमें रिश्वतखोर कहा जाता है। और जो भी इसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता है, उसका परिणाम विजय सान्याल की तरह होता है। तुम्हारी वजह से मैं अपनी बेटी की नजरों से गिर चुका हूं, और तो और मैं खुद अपनी नजरों से गिर चुका हूं। गुड बाय। रुद्राक्ष, मुबारक। रुद्राक्ष मेरे भाई, उस मेजर ने मुझे मारने की धमकी दी है। कुछ आदमी मेरे पास भिजवा देना, मुझे सिर्फ एयरपोर्ट तक प्रोटेक्शन चाहिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। अरे चिंता मत करो यार, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं अभी चार आदमी भेजता हूँ, और हाँ, उस मेजर से मैं निपट लूंगा। थैंक यू। अरे कोई है? यस बॉस। चार आदमी पूरी तैयारी के साथ लीडर के घर पर जाओ, और हाँ, उन्हें ध्यान से एयरपोर्ट छोड़कर आओ। ओके बॉस। हेलो। जीप तो तुझ तक पहुंच चुकी होगी, लेकिन जीप खाली है, उसमें रुद्राक्ष के आदमी नहीं है। तुझ तक पहुंचने से पहले ही मैंने उन लोगों को खत्म कर दिया। अगर विश्वास ना हो तो बाहर आकर देख ले। अरे मैं ये शेर छोड़कर खुद ही भाग जाता हूं। महावीर जाधव, मैं मेजर दिग्विजय सन्याल बोल रहा हूँ। शहर से भाग रहे हो? शहर से बाहर जाने के लिए जितने भी मोड़ आएंगे, हर मोड़ पर तुम मुझे पाओगे। ये क्या कर रहे हो? राइट लो, वरना मुझे मारने की कोशिश में तुम खाई में जाओगे। अरे महावीर जाधव, घबराहट में तुम्हें मुझ में और मेरे कटआउट में फर्क नजर नहीं आ रहा है। लेफ्ट लो, राइट राइट लो, लेफ्ट लो, राइट राइट, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, राइट। बॉस बॉस, गड़बड़ हो गई। मेजर सान्याल ने नेताजी को भी मार डाला। या? मेजर सान्याल! चलो जाओ, पूरे घर को आग लगा दो, जाओ। मेजर सन्याल, अरे आज मैंने तुझे ऐसी मौत मारा है कि तुझ पर कोई रोने वाला भी नहीं बचा। मैंने तेरे पूरे खानदान को खत्म कर दिया है। आज मैं बहुत खुश हूं, बहुत। अब ये सारी दुनिया मेरे नाम से कांपेगी। मुबारका। रुद्राक्ष, अज तेनू बहुत सारियां मुबारका। मुझे मालूम था रुद्राक्ष ऐसी कोई हरकत करेगा। हम फौजी हैं, सरहद के उस पार क्या होने वाला है उसका अंदाजा लगा लेते हैं। ये तो बच्चा है,
हेलो मेजर। सर आप? ममता ने मुझे फोन पे सब कुछ बता दिया था। आज आपका निशाना क्यों चूक रहा है? आपको एक खौफ तो नहीं कि कोई आपका दुश्मन? तेरा खेल खत्म हो गया रुद्राक्ष, अब तुझे मारने के बाद मेरी कसम पूरी होगी। मुबारका मुबारका। मुझे भी बड़ा अजीब लग रहा था कि मैंने इतने बड़े कमांडो के परिवार को जलाकर राख कर दिया। इस पर ना तो पुलिस ने कोई एक्शन लिया और ना ही मिलिट्री के महकमे में कोई हलचल मची। उस पर मुझे पता चला कि तुम्हारे जले हुए घर से तुम लोगों के कंकाल तक नहीं मिले, तब मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। फिर मैंने अपने आदमी तुम्हें ढूंढने के लिए तुम्हारे पीछे लगा दिए। तुम तो नहीं मिले मगर वो लोग मुझे मिले। हम फौजी हैं, हमारा सिर्फ एक ही रिश्ता है और वो है धरती मां से। मैं जानता हूं तुझे इनकी जिंदगी से ज्यादा अपनी जिंदगी प्यारी है। तू इन्हें मार दे, मैं तुझे मार दूंगा। बंदूक फेंक दो। मैं तुझे बंदूक से नहीं मारूंगा रुद्राक्ष, आज मैं तुझे बताऊंगा कि हिंदुस्तानी फौज की ताकत क्या होती है। Hey!
रुक जा मेजर, अब तेरा खेल खत्म। रुक जा मेजर। देखा रुद्राक्ष, हिंदुस्तानी फौज की ताकत। से बढ़ जाता है इंतहा जुल्म की होती है, जब पाप हद से बढ़ जाता है इंतहा जुल्म की होती है, तब अधर्म की होती है।